तो दशम श्रेणी पिलामानंकर आज कौन अच्छी ना एमआईएल अच्छी। तो ठीक अच्छे आम एमआईएल जो फास्ट पार्ट आम पढ़ी जन्मभूमि विषय जो रही कृष्णचंद्र पाणिग्राही लिखनी रू लिखी जो जन्मभूमि विषय रही तार आम गोटे पार्ट किसी पार्ट पढ़ी। तो आज आम लास्ट तार जो रही तार अन्य पार्ट पढ़ा तार आउ किसी विषय आग को आम पढ़ा। तो भिडियोटे आरंभ करने आगे जदि आपण मैंने चैनल को नुआ भिजिट करते तो भिडर आम चैनल भिडियो गुड़ी लाइक कमेंट सेयार करूँ और आम चैनल को जदि सब्सक्राइब करना तेज सब्सक्राइब करना अल् नोटिफिकेसन अन् कर दिंतु बेल आइकन को दबाई जहाँफल आम छाड़ भिडियो मान सर्वप्रथम आपड़ देखिपारे। एवं जो पूर्व क्लास जो मैंने करन से मानी प्ले लिस्ट आड करदे जाओ देखिपर ठीक अच्छे। तो आम विषयटी आरंभ करवा चलत विषयटी को पढ़ा। तो यह व्यक्तिगत समस्या नुहे यह हूँ समग्र शिक्षित समाजर समस्या। तो लेखक ये कौन कहवा चाहते ना प्राबंधिक ये कहवा चाहते जे यह व्यक्तिगत समस्या नुहे कौन ना जो जन्मभूमि को भूली जाई मनुष्य सहराभिमुख हो सहर को चली जाइए निज जन्मभूमि ठार दूरे जा तो सेठी की फेर कि लेखक कौन कही तार नैतिकता साहस नहीं लेखक निजे कही मोर सीना मोर जमी लगुच पुनर्जन्म हो ना ना लेखक ये कहते प्रिवियस क्लास जानी तो लेखक से कौन कौन ना यह व्यक्तिगत समस्या नु यह व्यक्तिगत समस्या नहीं ये हूँ समग्र शिक्षित समाज समस्या ये जो आमर समग्र शिक्षित समाज सब रही अच्छी तार समस्या होटा हूँ समग्र शिक्षित समाज समस्या। धर्मांतरण ग्रहण कलापर बहु धर्मांतर दीक्षित व्यक्ति जेपरी धर्म पाखे समस्त मानविकता को उत्सर्ग करी से नाम पदवी भाषा आचार व्यवहार वेशभूषा इत्यादि बदल दिंती और शेष बेलू जातीयता भूली जेपरी निज जन्मभूमि को सीधा अस्वीकार कर। तो लेखक ये कौन कहते ना जेपरी धर्मांतर धर्मांतर कहले कौन पिला मैंने ना जो तुमर जो धर्म थी तार जदि अन्य धर्म को तुम धर्म मानने कौन ना धर्म जो रोज कौन धर्म को तुम गोटे धर्म त्याग कर आ गोटे धर्म को आपणल धर्म को कौन कल ना बदल। तो सहीपरी भाव जेपर धर्म को आम बदलाऊे बदलला कौन ना मानविकता को उत्सर्ग करी नाम पदवी भाषा आहार व्यवहार वेशभूषा इत्यादि बदल दिंती शेष बेलू कौन करती ना जातीयता भूलिकी जेपरी निज जन्मभूमि को मध्य आम अस्वीकार करदे ठीक से हीपरी संख्यातीत शिक्षित व्यक्ति प्रचलित शिक्षा पाखे से समस्त मानविकता को उत्सर्ग करदे शेष बेलू निजर जन्मभूमि को सुधा पार्श्वरी पकाती किंतु ये जो रही समग्र शिक्षित व्यक्ति बा जो मैंने धर्म कौन कर धर्मांतर कर धर्म निज धर्म छाड़ी अन्य धर्म को आपणाऊँच से कौन करते नाम पदवी भाषा आहार व्यवहार वेशभूषा इत्यादि बदल शेष बेलू कौन करना जातीयता को भूली से निजर जन्मभूमि को सीधा अस्वीकार कर ठीक से हीपरी संख्यातीत शिक्षित व्यक्ति केतक संख्या शिक्षित व्यक्ति सब रही प्रचलित शिक्षा पाखे से कौन करना निजर समस्त मानविकता को उत्सर्ग कर शेष बेलू निजर जन्मभूमि को सुधा पार्श्वरी पकाई थांती। शिक्षा समापन संगे संगे से एक प्रकार पुनर्जन्म घटी जाए शिक्षा समापन बा प्राथमिक शिक्षा तुम जो समापन पर जेपरी पुनः जन्म घटी जाए पल्ली ग्राम को फेरी जाए जीविका अर्जन करने दूरे था सेठे किसी काल अवस्थान करने संभवपर हुए ना जिते प्राथमिक शिक्षा सरी शिक्षा पूरण हो जाए तो से कौन करते ना जन्मभूमि को कौन करती ना जन्म पल्ली ग्राम को फेरी जाए जीविका अर्जन करने दूरे था सेठे किसी काल कि समय रही संभवपर ताकि हुए ना एणु थरे थरे भावे ग्राम को जा कौन करी जदि ग्राम से उन्नतिकर कार्यपाई यथा साध्य अर्थ दान ही मोर एकमात्र अवशेष कर्तव्य ग्राम को न जाई करा जाई पारे।
तो लेखक एटी कौन कहते थरे थरे भावुं जे ग्राम को जाई से कौन करिवे निज जन्मभूमि को जाई से कौन करिवे जदि ग्रामर जन्मभूमि उन्नति पाई केवल अर्थदान किसी पैसा दान जदि एकमात्र अवशेष कर्तव्य हो गोटे कर्तव्य ताले गाँ को न जाब जन्मभूमि सहित मोर आउ कि प्रकार संबंध अच्छी लेखक ये भल भाव कौन कौन ना जदि ग्रामर उन्नति बा गाँव उन्नति जन्म निज जन्मभूमि उन्नति जदि अर्थ हो एकमात्र जो रोज अर्थदान ही एकमात्र अवशेष कर्तव्य रोज ग्राम को न जाब तो मु गाँ को जाई कौन करी बा जन्मभूमि सहित मोर आउ कि प्रकार संबंध रही अच्छी बहुवाद बिवाद विषमवाद सत्वे पल्लीग्रामर नर नारी मध्य जाति धर्म निर्विशेष गोटाए एक परिवारत्व परंपरा गढ़ी उठी थाए एक परिवारत्व परंपरा कहले कौन उठे कौन पिलाने बुझ ना जाति धर्म निर्विशेष परस्पर बा पल्लीग्राम बास कर समस्त नर नारी बा समस्त लोक को लेकिन जो तंकर परंपरा गढ़ी उठी थाए बा जो सेमानकर मध्य एकत्व रही थाए ताकू आमे एक परिवारत्व परंपरा बोली आमे कही था केही भाई केही भौनी केही कका केही खुड़ी इत्यादि भाव समग्र बा समस्त ग्रामवासी परस्पर मध्य परिचित होती केही भाई भौनी कका खुड़ी इत्यादि भाव से कौन ग्रामवासी परस्पर सहित परिचित होती मो जन्मभूमि सहित ए मधुर संबंध मोर आऊना ग्रामटी जाकर भाई भौनी कका खुड़ी मामू माई मौसा मौसी इत्यादि सब पर हो गले लेखक कहते जब मुझरामुखी हेली जब मु चाकरी करी बोली निज जन्मभूमि को छाड़ी उच्चशिक्षा व चाकरी करने कि सौराभिमुखी मुझे आ ग्रामभूमि को भूली जाबार ये जो एक परिवार तो आम गाँव में रही रोलु एक परिवार तो परंपरा आमर रही से कौन ना ये सब संबंध मोर आऊना ग्रामटी जाकर जो भाई भौणी कका खुड़ी मामू माई मौसा मौसी इत्यादि सब मोर कौन पर हो सारे जिते चेष्टा कले ये मधुर संबंध आ फेरी पाइबा संभव नुहे तो ये गोटे उदाहरण देखते लेखक जे ग्राम मुंडे सारा मौसी तार छोट पिंडाटी बहु वर्ष प्रस्तर मूर्ति परी बसी आसी आज बसी थाए आगे देखा मात्र पचार केसिलु बापा कितु आजिकल कहे आजिकल मत कह केसिलु बाबू ग्राम मझीरे तो ये लेखक कौन कहते ना गोटे भल सुंदर उदाहरण देखते जे आग काल जिते लेखक जन्मभूमि को छाड़ी किसी दिन जाते आसुले जन्मभूमि को सेतबाला किपर सार मौसी संबोधन करता जिते से जन्मभूमि को भूली जाती आसुना से अकस्मात आसवा क्षणिके से सार मौसी कौन कहि से विषय भल उदाहरण देखते कौन कहते ना जिते कौन ना ग्राम मुंडरे बा ग्राम आरंभरे सार मौसी गोटे छोट पिंडाटी रही अच्छी छोट पिंडाटी सी कौन कर बहु वर्ष प्रस्तर मूर्ति पर बसी आस बहु वर्ष धरी सेठे बसी आस बसती छोट पिंडाटी तो मैंने देखि गाँव गाँव में जो मैंने रोचे से देखि घर आगे पिंडा होता है लोक मैंने चार्टा बेले हूँ सन्ध्या बेल टाइम सेठे बस था तो आज से सार मौसी आमर कौन से बसी लेखक कहते आगे देखला मात्रे जिते मुझ पूर्वर आसुली जन्मभूमि को मुझे जिते आसुली मोर मटीमा को मो पल्लीग्राम को सेतबाला सार मौसी मत देखा मात्रे कहला केसिलु बापा से मत बापा बोली संबोधन करी मत पचारूला केसिलु बापा कितु आजिकल सी जो मत देखुची जा कि मात्र मत देखुची मानते बर्ष बर्ष पर मत देखुची से पचार कौन ना केसिलु बाबू ये बाबू मत संबोधन करुच्ची ग्राम मझीरे आउ गोटे उदाहरण दे कौन ना ग्राम मझीरे गोविंद भाईर क्षुद्र कुटीर से ग्राम मझीरे बा कौन ना गोविंद भाई जन रोते छोट कुटीर कहले कौन पे कहले कौन बुझ ना जो चाल छपर हो माटी घर जो छोट माटी घर रही था ताकु कुटीर कह ग्राम मझीरे गोविंदा भाईर क्षुद्र कुटीर से आजीवन अकर्मा और अविवाहित रही से क्षुद्र कुटीर को दुर्ग कर समग्र विश्व विरोध में विद्रोह घोषणा कर लेखक ये कौन कहते आजीवन अकर्मा मान से भिन्नक्षम बोली लेखक कहते
ଯେ ସେ ଭୀମିକ ହେବ ଏବଂ କ'ଣ ଅବିବାହିତ ସେ ରହି ସେ ତାର କ୍ଷୁଦ୍ର କୁଟୀରକୁ ଦୁର୍ଗ କରି ସେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହର ଘୋଷଣା କରିଆସିଛି। ଆଗେ ଦେଖାହେଲେ ସେ ବହୁମାନ ସହିତ ସେ ମୋତେ ତାର କୁଟୀରକୁ ନେଇକି ବସାଇ ମନବୋଧ ଚୌତିଶା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥିଲା। ମନବୋଧ ଚୌତିଶା କହିଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ବୁଝ ନା, ଏଇ ଜନପ୍ରିୟ ଚୌତିଶାଟି ହେଉଛି ବୈରାଗ୍ୟ ଓ ଭକ୍ତିଭାବ ସମ୍ବଳିତ। ଏହାର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଅଷ୍ଟଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ କବି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ବୁଝିପାରିଲ ମନବୋଧ ଚୌତିଶା କ'ଣ କହିଛି ନା, ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଆଗରୁ ମୋତେ ଦେଖୁଥିଲା ତାର ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର କୁଟୀରଟି ରହିଅଛି ସେଠି ନେଇକି ମୋତେ ବସେଇକି ସେ ମନବୋଧ ଚୌତିଶିଆ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଶତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ପୂର୍ବ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆଉ ଫେରିପାଏ ନାହିଁ। ଗ୍ରାମଟି ଯାକ ନବାଗତ ଅତିଥିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲେଣି, ଯେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ମଳିନ ଉଲଗ୍ନ କୃଷଧର ଲମ୍ବଧର ଅବାଞ୍ଛିତ ଅବହେଳିତ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସମାବେଶ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏଠି କୃଷଧର କହିଲେ କ'ଣ ନା, ଅପୁଷ୍ଟତା ହେତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପେଟ ପଶି ଯାଇଥାଏ, ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କର ପେଟ ପଶି ଦେଇଥାଏ। ଲମ୍ବୋଦର କହିଲେ କ'ଣ ନା, ଏଠାରେ ରୋଗାଦି କାରଣରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପେଟ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। ଅବାଞ୍ଛିତ କହିଲେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁନା, ଅନାଗତ କହିଲେ ଯାହା ଆସିବାର ନାହିଁ ବା ଭବିଷ୍ୟତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଆମର ନା, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ମଳିନ ଉଲଗ୍ନ କୁଶଧର ଲମ୍ବଧର ଅବାଞ୍ଛିତ ଅବହେଳିତ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସମାବେଶ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ତ ଗ୍ରାମ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ପୂର୍ବପରି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫେରୁଥାଏ ବା ଫେରେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ନା, ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇ ଆଗରୁ ଯେମିତି ମନବୋଧ ଚୌତିଶା ପଢ଼ାଉଥିଲା, ଏବେ ଶତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଶହେଥର ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତା ପୂର୍ବ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆଉ ଫେରିପାରେ ନାହିଁ। ଗ୍ରାମଟି ଯାକ ନବାଗତ ଅତିଥିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲେ, ନୂଆ ନୂଆ ଶିଶୁ ସବୁ ଜାତ ହୋଇଗଲେଣି, ଜନ୍ମ ହୋଇଗଲେଣି, ଯେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ମଳିନ ଯେଉଁ ମାନେ କ'ଣ ଧୂଳି ମୂଳି ହେଇକି ଯେଉଁ ଉଲଗ୍ନ ବା ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇକି ଶିଶୁମାନେ କୁଶଧର ମାନେ ଯାର ଅପପୁଷ୍ଟିରେ ପେଟ ପଶି ଯାଇଥାଏ, ଲମ୍ବଧର ଯାର ପେଟ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ, ଅବାଞ୍ଛିତ ଯାହାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁନାହିଁ ବା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରେ ଯେଉଁମାନେ ବା ଅସନା ହୋଇକି ରହିଥାନ୍ତି ଅବହେଳିତ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସମାବେଶ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସୁଦ୍ଧା ମୋତେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ମୋତେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, କେବେ କେବେ ଦେଖାହେଲେ ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତି କ'ଣ ନା, ଆଫ୍ରିକାରୁ ଯେମିତି ନବାଗତ ଜେବ୍ରା ବା ଜିରାଫକୁ ଚାହିଁଲା ପରି ସେମାନେ ମୋତେ ଖାଲି ଚାହିଁ ରହନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷିତ ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ ନବଯୁବକମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଚାକିରି ନ ପାଇ ଜନ୍ମଭୂମି ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କଂଗ୍ରେସୀ, କେହି ଗଣତନ୍ତ୍ରୀ, କେହି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଏବଂ କେହି ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି ଏହି ରାଜନୈତିକ ମତବାଦରୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସିଟିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁଦ୍ଧା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ତା ଅନ୍ୟ କଥା ତ ଦୂରେ ଥାଉ, ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରକୃତିର ଶୋଭା ଉପଭୋଗ କରିବା କିମ୍ବା ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଲେଖକ ଏଠି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ସେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଲ୍ଲୀଗ୍ରାମକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ବା ଯାଆନ୍ତି, ସେଠାରେ ଥିବା ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜିରାଫ ଭଳିଆ ଯେମିତି ଅନେଇଥାନ୍ତି, ଯେ ଆଫ୍ରିକାରୁ ନବଗତ ଜିରାଫ ଯେମିତି ଆସିଛି ବା ଜେବ୍ରା ଆସିଛି, ତ ସେଠିକାର ଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ବା ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ ନବଯୁବକମାନେ ଚାକିରି ନ ପାଇଁ ପଲ୍ଲୀଭୂମିକୁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ରାଜନୀତିର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେଜଣ କଂଗ୍ରେସୀ ବା କେତେଜଣ ଗଣତନ୍ତ୍ରୀ, କେତେଜଣ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଓ କେତେଜଣ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି ଏହାର ରାଜନୈତିକ ମତବାଦରୁ କୌଣସିଟିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁଦ୍ଧା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ କଥା ତ ଦୂରେ ଥାଉ, ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ପଲ୍ଲୀର ପ୍ରକୃତିର ଶୋଭା, ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରକୃତିର ଶୋଭାବର୍ଣ୍ଣ, ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରକୃତି କିପରି ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ସୁନ୍ଦର ବା ଉପଭୋଗ କରିବା, ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଆସିଲାଣି, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ପାର୍ଟକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ତ ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓରେ କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ବା କୌଣସି ପାର୍ଟରୁ ତୁମେ ବୁଝିପାରିନଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣାଇପାରିବେ। ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଛାଡ଼ିଥିବା ଭିଡ଼ିଓମାନ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।